Ah, dia aja, dia aja. Semisal aja. Tidak, 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 tidak. Sopi aja satu. Sopi aja. Mana aja? Kadang lagi main. दिया जी लेफ्ट में, दिया जी, दिया मैम लेफ्ट में, लेफ्ट में, दिया मैम लेफ्ट में, अरे लाइट लगाना है सर, चालू है लाइट, चल ओके फाइन लेट्स गो. गुड इवनिंग दिया. गुड इवनिंग. ऑलवेज सच अ प्लेजर एंड प्लेजेंट टू सी यू. मतलब लाइट बॉक्स की दहक की भी गर्मी में आप सुकून मिलता है. थैंक यू. इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू. आई एम ग्लैड कि आप सब यहाँ हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट तुम्हारी सुलू. दो बहुत खास दोस्तों की फिल्म है. एक्चुअली दो नहीं, तीन. विद्या तो हमारी चहेती है ही. विद्या इज़ वर्कड इन अ फिल्म विद अस फॉर माई प्रोडक्शन कंपनी. शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स. शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उनकी फिल्म देखने आई. I've been hearing from people who've seen the film that it's an adorable film, that it's a very, very positive slice of life film, and I'm really looking forward to it. I think I'm fortunate to be able to do the kind of work that gives me the opportunity to meet amazing personalities, not just in India but overseas as well. And I think you know, the opportunity to meet Halle Berry and interact with her was a byproduct of that. It was an interaction that was for a private event, we were both speaking with each other in the presence of over 300 corporates, and the idea was really to I think have an honest and healthy exchange and hopefully you know, inspire the people in the rooms. So it was wonderful. वो इंडिया में है अभी वो. तो अगर आप Halle Berry को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि वो अभी भी इंडिया में है. पर उन्होंने मुझे खास करके दो या तीन मरतबा कहा कि जब से वो इंडिया में लैंड हुई हैं तब से उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं. शी फेल्ट वेरी वेरी कनेक्टेड विद द कंट्री एंड वाज रियली एक्साइटेड अबाउट स्पेंडिंग टाइम हियर. फिल्म इंडस्ट्री डरी हुई नहीं है, ना ही सहमी हुई है. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी इंडस्ट्री को बार बार एक पॉलिटिकल पुर्जा बनाया जाता है और हम सॉफ्ट टारगेट्स बन जाते हैं. एंड आई रियली होप कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट्स हैं इस बात को सही तरह से समझे और इस बात पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन और कदम उठाए. मैं आप देखिए ना कि फिल्म देखे बिना लोग फिल्म के बारे में मतलब ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं तो ये गलत है. बिना फिल्म देखे लोग ऑब्जेक्शन कैसे ले सकते हैं? ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है. हम यहाँ तक कि हमारा जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन बोर्ड है. इट्स नॉट व्हाट यू कॉल अ सेंसर बोर्ड.
So in a democracy, I think there should be freedom of expression, and that freedom of expression has to come with responsibility. So agar log us freedom ka galat fayda utha rahe hain, चाहे वो बुलिंग के थ्रू हो या हुलिगनिज्म के थ्रू हो, तो उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा एड्रेस करना चाहिए. थैंक यू.